नाजरीन आदाब, आज़ादी चैनल में आपका खैर मकदम है। ज़िले निज़ामबाद की दरगाह बड़ापाड़ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी का बरोज़ जुमेरात 2 फरवरी से आगाज़। इंतजाम के लिए रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 14,50,000 रुपये मंजूर। तमाम इंतजाम मुकम्मिल। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर ख्वाजा मोइनुद्दीन व उर्स इंचार्ज इंस्पेक्टर वक्फ हय्यूम खान की ज़ायरीन व आवाम से शिरकत की ख्वाहिश। ज़ायरीन के लिए बरोज़ जुमेरात 2 फरवरी, बरोज़ जुमा 2 फरवरी ताम का अहतमाम किया जाएगा। संदल शरीफ बाद नमाज जहर जलालपुर से दरगाह बड़ा पहाड़ गेस्ट हाउस पहुँचेगा, जहाँ पर वक्फ बोर्ड अमला और दीगर हजरात की दस्तारबंदी अमल में आएगी। मेहमान खसूसी स्पीकर पोचारम सिनोसटी शिरकत करेंगे। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट शेख जमाल का बयान। आज जो है सो हुसैन शरीफ के इंतजाम कंप्लीट हो चुके हैं। कल बाद नमाज जहर जलालपुर अब्दुल गफ्फार साहब मुजावर साहब के घर से इंशाल्लाह असर के टाइम पे 4:30 के दरमियान वक्फ बोर्ड ऑफिस बड़ापाड़ संदल शरीफ आएगा। जनाब असेंबली स्पीकर श्री जनाब पोचारम श्रीनिवास रेड्डी साहब, हमारे हानेबुल चेयरमैन जनाब मसीउल्लाह खान साहब, हमारे सीईओ ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब, हमारे इंस्पेक्टर ऑडिटर हय्यूम खान साहब शिरकत फरमाएंगे। यहाँ पर गुलपोशी, शालपोशी, दस्तरबंदी होगी और तमाम ज़ायरीन से अदबन गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से यहाँ पर गेस्ट हाउस वक्फ बोर्ड ऑफिस में 2 दिन 2 फरवरी 3 फरवरी को खाने का इंतज़ाम वक्फ बोर्ड की जानिब से करा जाएगा इंशाल्लाह।